बढ़ती होगी। ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लोग एक कन्वेंशन लेते हैं कि जो नेचुरल लेंथ है इस पे लोगों ने मान रखा है सबने बिना एक दूसरे से बोले, क्योंकि फिजिक्स समझदार लोगों का सब्जेक्ट, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कि नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो मान लिया। आगे जाके चीज आप बड़ी गहराई में सीखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता, सिर्फ चेंज का मतलब होता है। वैसे भी हमें चेंज की जरूरत पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी के, अरे इन सवालों में हम फाइनल माइनस इनिशियल तो लिखेंगे हमेशा, तो हमें एक्चुअल वैल्यू की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ डिफरेंस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। और डिफरेंस की वैल्यू ही मिलती है तो अपन ने जबरदस्ती एक जगह पे हमें मानना पड़ता है कि यार यहां पर इतनी वैल्यू है, तो अपन ने यहां मान लिया कि यहां जीरो, एंड विच इज वेरी लॉजिकल ऑल्सो, नेचुरल लेंथ में तो कुछ है भी नहीं स्प्रिंग के पास। और याद रखिए नेचुरल लेंथ है, इनिशियल लेंथ नहीं है। ठीक है, तो यह सवाल हो गया आपका कि स्प्रिंग जब भी एक्स खींचेगी तो उसके पास हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे कि आपके पास एचसीवी थोड़ी लाए होंगे, आज लाए एचसीवी का एक स्प्रिंग ब्लॉक का सवाल ले लेते हैं जो अपन ने पहले किया था। ये अपन ने किया हुआ है पहले कि नहीं किया हुआ है? किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप आज भी क्या है? नेचुरल लेंथ बनाना। और सवाल में दिया हुआ है अपन को कि कितना एक्सटेंडेड था, ये 10 सेंटीमीटर 0.1, और k इंटू 0.1 मस्ट हैव बीन इक्वल टू mg, राइट? क्या दे रखा है? k m द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg 50। तो इससे अपन ने k निकाल लिया था 500, राइट? अब क्या किया इन्होंने, इसको अपवर्ड की तरफ वेलोसिटी दे दी। कितनी दे दी थी? 2 meter per second। और हमसे पूछा था बताइए कितना ऊपर जाएगा यहां से, राइट? हम मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ से एक्स ऊपर जाके रुका। याद आया सॉल्यूशन? ओके, ये फाइनल पोजीशन है, वेलोसिटी जीरो। और डिस्टेंस हमने कहां से नापा? नेचुरल लेंथ से। तो हमें जब आंसर देंगे तो हम क्या एक्स देंगे क्या आंसर? नहीं, हम देंगे एक्स प्लस 0.1। याद है इसको अपन ने कैसे सॉल्व किया था पिछली बार? वह काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से सॉल्यूशन आपके पास होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे को सिस्टम ले रहे हैं और ग्रेविटी भी पोटेंशियल लिखेंगे इसी वर्क मैकेनिक थ्योरम लगाएंगे। तो स्प्रिंग का फोर्स इंटरनल हो गया, ग्रेविटी तो फ्री की है इसी पोटेंशियल में, तो कोई फोर्स बचा जो वर्क कर रहा है इस पे एक्सटर्नल? सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है? कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? तो हम ये कह सकते हैं वर्क वाली साइड जीरो हो गई। समझ में आती क्या मेरी बात? अब मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार जो अपन को समझ में आता है उतना हिस्सा, तो हाफ एम इंटू 2 का स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, या ऐसे लिख दू डेल्टा यू जी प्लस डेल्टा यू स्प्रिंग, चलेगा क्या? और इनको दोनों को अलग से एनालाइज कर लेते हैं अपन। ठीक है, कंफर्टेबल है तो बोल दीजिए भाई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो ग्रेविटी की वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है? नीचे से ऊपर गया है तो बड़ी होगी घटी होगी पोटेंशियल एनर्जी? बड़ी होगी। कितना बड़ी होगी? 5 × 10 mg इंटू एक्स प्लस 0.1। वेरी गुड। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ इंटू 500। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसकी? एक्स स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? जीरो थी क्या? नहीं। ये पुट कर दीजिए वहां पे, सॉल्व हो जाएगा। इसमें अपन ने पोटेंशियल जी करने से फायदा क्या हुआ कि अपन को बार बार वो kx dx का इंटीग्रल नहीं करना पड़ रहा, उसकी वजह अपन ने सीधे उठा के फाइनल पोटेंशियल जी। बस याद रखिएगा डिस्टेंस कहां से नापते हैं? नेचुरल लेंसेज में बहुत चांसेस है गलती होने के। आप यहां पर एक्स प्लस 0.1 लिखेंगे कभी ना कभी, एक्स प्लस 0.1 नहीं है ये, पोटेंशियल जी हमेशा
नेचुरल लेंस से नापेंगे तो फाइनल पोटेंशियल जी हाफ के एक्स स्क्वायर और इनिशियल पोटेंशियल जी की जो वैल्यू थी वो लिख दीजिए डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल और इक्वेशन में साइड पहले अपन ने इसी साइड में लिखे थे दोनों चीजें एज अ वर्क लिखे थे बस यही अंतर है घर जाके सोल्यूशन देख लीजिएगा घर जाके देखेंगे तो यही सॉल्यूशन मिलेगा आपको ये इक्वेशन इस बाजू की बजाय वो बाजू लिखी होगी क्योंकि ग्रेविटी का वर्क लिखते तो क्या लिखते माइनस एम जी एक्स प्लस 0.1 वो इस तरफ था वर्क ठीक है लेकिन ये सोचना फिजिक्स की जरूरत है हमारी जरूरत है कि हम ये सोचना सीखे सिर्फ एक तरीका सीख लिया और उससे खुश हो गए ऐसे नहीं चलेगा वी नीड सम मोर टू लर्न इट चलिए बस इतना ही अभी तो